हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में गेट के कट ऑफ बताऊंगा जो 2015 की थी, 16 की, 17 थी। जितनी भी कट ऑफ हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले आपके कट ऑफ है NPCIL की। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IN, सिविल, ये आपकी कट ऑफ थी। देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए BEML की रिक्रूटमेंट, यहाँ पे मैकेनिकल का गेट स्कोर हाई गया था, 821 गेट मार्क्स लगभग 78.34 थे, और ऑल इंडिया रैंक थी 499 BEML। ये 2017 की बता रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल 766, 58.46 मार्क्स थे। तब इलेक्ट्रिकल में आप ये देखिए कि थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, वहाँ पे कम मार्क्स में आपके ठीक ठाक गेट स्कोर आपका बन जाता है। उसके बाद देखिए मेटलर्जी में तो और ज़्यादा कम थे। उसके बाद देखिए HAL रिक्रूटमेंट, HAL रिक्रूटमेंट की देखिए आपकी, सिविल की लगभग आपकी गई थी 62 से 79 के बीच में HAL में। उसके बाद देखिए भेल के आपके रिक्रूटमेंट हुई थी गेट के थ्रू, मैकेनिकल के लिए 84 नंबर थे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 86 मार्क्स चाहिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा थी ये। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 67 चाहिए थे, और यही आपकी फाइनल सिलेक्शन में 72.73 मार्क्स आपके आने चाहिए थे। आपकी 50% रिलैक्सेशन थी ओवर द कट ऑफ मार्क्स, डेट इज़ अकॉर्डेड टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स फॉर बीइंग इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज़। उसके बाद देखिए भेल के रिक्रूटमेंट 2016 की, तो 2016 की आप देख सकते हैं मैकेनिकल की 79.31, इलेक्ट्रिकल की 69.98, इलेक्ट्रॉनिक्स की 68.68 एंड मेटलर्जी की 65। उसके बाद देखिए सेल, यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी ये फॉर 2 ईयर्स, एंड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर पेइंग अ फीस एज स्पेसिफाइड। उसके बाद देखिए 2016 के रिक्रूटमेंट की कट ऑफ है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये एक एस्टिमेट आइडिया है, इसकी प्रॉपर कट ऑफ नहीं मिल पाई थी। उसके बाद देखिए NTPC, ये बेस्ट जॉब है, महारत्न कंपनी है ये, और ये बेस्ट रिक्रूटमेंट है। 150 रुपये लगभग इसकी फॉर्म का फीस होता है, दाम होता है। कट ऑफ देखिए 2017 की, इस कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए देखिए, वैसे इलेक्ट्रिकल में 62 मार्क्स तक आपका NTPC हो जाता, तो ये बहुत अच्छी बात थी। ऑल इंडिया रैंक 206 बनी थी लगभग आपकी इतने मार्क्स पर। मैकेनिकल का 81 नंबर अगर आप ले लेते तो ऑल इंडिया रैंक 280 के करीब आपका हो जाता। इलेक्ट्रॉनिक्स में वहीं 65 मार्क्स पे आपको NTPC मिल रही थी, 112 रैंक बनी थी। इंस्ट्रूमेंटेशन में वही बहुत ज़्यादा, इंस्ट्रूमेंटेशन इस बार बहुत ज़्यादा मार्क्स गया है NTPC में। लगभग हर PSU में इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा मार्क्स की गई थी, तो ये 72.35 मार्क्स कट ऑफ मार्क्स थे। वही सिविल का देखूँ मैं तो सिविल भी बहुत ज़्यादा गई थी, ऑल इंडिया रैंक लगभग 42 के करीब इन्होंने मांगी थी। वहीं 2016 में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल का कम गया था 66.69, मैकेनिकल 76, इलेक्ट्रॉनिक 63 और इंस्ट्रूमेंटेशन 63, सिविल 73 हो गया और IT 65। गेल रिक्रूटमेंट, इसकी तो ऑब्वियस ही बात है, हर बार बहुत कम जिसकी रैंक हो, बहुत बढ़िया रैंक हो, उनका ही सिलेक्शन होता है। केमिकल में देखिए 144 था, मैकेनिकल में 70, इलेक्ट्रिकल में 75, इंस्ट्रूमेंटेशन में 73, सिविल में 72 एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 68। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया थे। ये मैं ऑल इंडिया उसकी बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंकिंग की बात कर रहा हूँ।
ये गेल की 2016 की देख लीजिए आप, उसके बाद HPCL देखिए, BPCL देखिए। BPL इस बार 2018 में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही मैकेनिकल उन्होंने लिया है, पहले मैकेनिकल केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन थी, उसके बाद MDL देखिए, यहाँ पे मैंने वो डेट भी लिखी है कब से कब तक इनकी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ये इसकी कट ऑफ है MDL की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की है, काफ़ी हाई जाती है ये कट ऑफ और रिक्रूटमेंट भी काफ़ी अच्छी है। 2016 में देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ 65 थी, 2016 में कम थी, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। NLC की रिक्रूटमेंट देखिए, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ECE सिविल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो काफ़ी हाई कट ऑफ देखिए इन सब में जा रही है, लगभग बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए। और ये 2016 की कट ऑफ देखिए फेज़ वन की, आउट ऑफ 100 कट ऑफ कितने मार्क्स की गई थी, इंस्ट्रूमेंटेशन की 70 थी,